अब इसको लेके जाते हैं, जिसका रिएक्शन मैं आप लोगों को दिखा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि आज ये मेरे लिए ये लाने वाला है, क्योंकि कल इसी वीडियो हम लोगों ने बनाई थी और आज इसको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल है व्यूअर्स, उम्मीद करता अपने रब से कि आप सारे खैर खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि आज मेरी वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। मेरे इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं किसी के साथ अच्छा करूँ, उसकी वीडियो बनाऊँ, लेकिन ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अगर ये वीडियो अपलोड करूँगा तो इससे मुझे अर्निंग होगी और इसी अर्निंग से मैं किसी और गरीब का काम करूँगा। तो आज वो सारी चीज़ें उसी के लिए ख़रीदूँगा। जा रहा हूँ बाज़ार, देखता हूँ कि मुझे ये मशीन्स जो जिस बंदे ने मुझे, बच्चा है जिसने मुझे रिक्वेस्ट की थी आप मेरे लिए ये चीज़ें ख़रीदो, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि वो मुझे बठेला बाज़ार से मिलता है या मिंगवारा बाज़ार से मिलता है, और उसके लिए मैं एक छोटी सी शॉप खोलूँगा और वो सारी ए टू जेड जो वीडियो होगी वो इसी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चलो चलते हैं, जाता हूँ अपने 125 पे और उसके साथ वहाँ पर मिलता हूँ। और ये मेरे साथ एक दूसरा ब्लॉगर भी जा रहा है, यासीन। यासीन हाँ, तो बाइक तक है ना बच्चे? हाँ तो बाइक तक है ना? हाँ, तो यासीन बाइक पे बैठेगा क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे कॉल्स आ रहे हैं। तो यासीन चलाएगा बाइक और मैं बनाऊंगा अपनी वीडियो, और सेम कलर के ब्लू ब्लू और रैंडम और रैंडमली। चलो बटखेल तो चुका मिंगोर तो हाँ बटखेला चुका हूँ ना लो सबसे पहले पैसे निकाले। खाली 16,000 रुपये, तो 1,000 बच गए, ये भी निकाल लेते हैं। जी यासीन खान अकाउंट या खाली को था? आए हाय, बठेला बाजार में बहुत ज्यादा गर्मी है, हद से ज्यादा, और एक ऊपर जितना रश है इतना रश है ना कि क्या बताओ। ये देखे बठेला का मेन बाजार, और यहाँ पर हमने हसनैन को पहले से फ़ोन किया हुआ था कि हसनैन इसे हाथ मिला ले पहले, हमने हसनैन को पहले ही बोला था कि आप हमें ये मशीन दिला देता कि हमारा टाइम जाना है। हसनैन भाई तो हमने देखा किसके पास है, वहाँ पर दुकान है, वहाँ पर है, वहाँ पर है। बाइक साइड तक ऐसे ना? ना बाइक रहा वाला। अच्छा बाइक रहा वाला था हमारे बराबर है। अच्छा तो बटखेला में हसनैन ने सबके पास देखा, एक ही दुकान के पास इसने देखा, तो ये वही मशीन है जिसके हमें फरमाइश हुई है। दबा दा चक्के ना बजी की बजी शे वो की दीदी की स्पिरिट अच्छे दबा तो वस्के का ना स्पिरिट खुदुम सरनी दा बरा मदीने को मंग दा बला खा क्वालिटी निस्ते ना दा सही है। बोले बनस क्या? और असल में मैंने जो है ना दांत निकाले हैं, क्योंकि मैं दांत लगा रहा हूँ, एक दांत ख़राब है, और ये ठंडा इस पर ऐसा लगता है जैसे आग इस पर डालते हैं, इसको हम इस तरह पीते हैं। बड़े ये, और हम इस पर पूरी मेहनत कर रहे हैं ताकि हम इसके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ खरीदें। तो हमें अभी ये क्वालिटी दिखाई, एक क्वालिटी ये रही, लेकिन इसमें बैटरी लगती है, और कल को अगर ये अपने काम पे जाए और उसके पास चार्ज खत्म हो जाएगा तो इसको फिर मसा बने, इस वजह से अभी ये वाला है, ये वाला बेस्ट है। इसका स्टाइल तो मशीन ले लिया, अब इसको लेके जाते हैं बाइक पे और कुछ और समय। ओ इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया नीचे से। रास्ता
स्प्रे किया था, लेकिन अभी जो है इसमें जो कलर डालते हैं वो कलर भी ले लेते हैं, क्योंकि अभी वो बच्चा कहाँ पर इसको ढूंढने का, तो अभी वो कलर भी ले लेते हैं। और घर आते ही सबसे पहले बच्चे शुरू हो गए। चले यार, अभी इसको पकला रहा गाड़ी बम्पर दीपू वो, अभी इसको लेके जाते हैं। जिसका रिएक्शन मैं आप लोगों को दिखा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि आज ये मेरे लिए ये लाने वाला है, क्योंकि कल इसी वीडियो हम लोगों ने बनाई थी और आज इसको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। और अलखिदमत फाउंडेशन ने भी हमारे साथ हेल्प की इसमें, कुछ खाने के सामान है तो पहले अलखिदमत फाउंडेशन से वो सामान लेते ताकि वो भी उन लोगों को देते चले। तो चले सबसे पहले उस बच्चे से पूछते हैं कि वो कहाँ पर है कहाँ पे नहीं है। मैं इसको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं कुछ और सामान है वो ला रहा हूँ। रुके, उसको मैं पहले फ़ोन करूँ, उसका रिएक्शन क्या होता है। हेलो, खाती है बछड़िया? मावे का नाम जिया मैं इजारे मैं पुरुष में तेरा वीडियो करवा मावे मैं यार अगर मशीन खुद ही वाना शो हाँ वो मशीन अगर ग्रांड है कन्नड़ आये पैसे अगर ता माते पिन्नी में 5000 रुपए दे वगैरह एक ग्रांड है अगर तकरीबन से प्लस 2000 रुपए दे हाँ खो दल ते मेरे लगा से दे सा उड़े मेरे लगा से दिया वो से चीनी दिया वो दादी मैं दाल दर उड़ा माँ हाँ नो कोर बे हाँ हाँ तू चल जमा खबर चुड़ैल अंदर रोवान हो हाँ साथ का मशीन खा मखा पकार दे हाँ हाँ नहीं यार वास खबर नहीं पैसे रह चाने दे रखे तो खुदा अलन साथ बता के उड़ो बते गुजारो कभी अब गूर हो हाँ आह उसे कुछ 500 रुपए रहता है 500 रुपए रहता है लेके लिखा सामने इधर लेके दे जब तो कोर के ना मंगदर आलो हाँ। तो ये बच्चा मैंने इसको बोल दिया कि मैं आप लोग के लिए खाने का सामान लेके आ रहा हूँ। मेरे वीडियो बिल्कुल मेरे वीडियो का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी गरीब का मजाक उड़ा रहा हूँ या मैं किसी गरीब का वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ कि मुझे खुशी मिलती है, मुझे खुशी मिलती है जब मैं किसी गरीब को देखता हूँ और वो खुश होता है, इस वजह से मुझे भी खुशी होती है। और दूसरी बात यह है मुझे जो अर्निंग होगी, इस वीडियो का मकसद यह है कि अगर मुझे इससे अर्निंग होगी तो मैं मजीद और गरीबों की मदद करूंगा। तो चलो टाइम ज़ाया नहीं करते, पहले जाते हैं अलखिदमत फाउंडेशन की तरफ। तो ये अलखिदमत फाउंडेशन वालों ने अपना सामान दे रख दिया। ये हमारा आयाद भाई तनवीर, अरे उसका अलखिदमत का बंदा जू कसानों से लाड़ो लाड़ो ये हमारा वही बच्चा है जिसके लिए मैं सुबह से ख्वार और इधर भाग रहा हूँ उधर भाग रहा हूँ। तो ये वही बच्चा है और ये इसका मशीन और बाकी आटा और ये सारा सामान अंदर गया। तो चलो अब इसका अब्बू भी आप लोगों को दिखाता चलो।
और यहाँ पर हम सिलेक्शन कर रहे थे क्योंकि इस बच्चे को बहुत से लोगों ने पैसे भेजे थे और मेरे पास इसके पैसे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा कि आपके अब्बू को ये पैसे दे दूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर सब ने मना कर दिया कि इसका अब्बू जो है वो बूढ़ा हो गया है, आप इस पैसों के बजाय इस बच्चे के लिए यहाँ पर कोई दुकान वगैरह खोल दे। तो मैंने कहा अच्छा सही है, तो यहाँ पर हम सिलेक्शन कर ही रहे थे और इंशाल्लाह आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में पता लग जाएगा कि यहाँ पर मैंने इनके लिए क्या खोला। और आप लोग सब इस भाइयों के लिए दुआ करना जिस भाइयों ने इनकी ये हेल्प की और इनको ये पैसे सेंड किया ताकि ये अपने लिए रोज़गार करें, और इंशाल्लाह ये बच्चा अच्छा रोज़गार करेगा, एक अच्छा बंदा बने, क्योंकि इसने एक बात कही थी कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं अपने लिए कारोबार खोल रहा हूँ, और इसी की यही बात मुझे बहुत पसंद आई। तो आप लोग हमेशा अपने मुआशरे में लोगों को कारोबार दिया करें, लेकिन भीख मांगने पर उनको मजबूर बिल्कुल भी ना करें। बाबा जी सिर्फ और सिर्फ चिकस्ता कम जामन तलाल्ला संगवे जमा जामन जमान लड़ल कना तलाल्ला डेर जामन दरकड़े सही था डेल बच्ची डेल दरकड़े थे पाल्ला डेर मैं खलक शा सिर्फ और सिर्फ अगो तो दवा कवा दाता ला मा न दल मा कड़े न दल दकड़े न दल बल कड़े न दल बल कड़े थे दासा डेर बच्ची थी जगह ताला कई और सिर्फ और दवा गाने को। हाँ और चीनी उठाना हम लोग भूल गए थे क्योंकि चीनी मेन चीज़ है, क्योंकि कल ये अपना काम किस चीज़ पर करेगा तो चीनी है, इसलिए हम यहाँ से चीनी उठाते हैं और फिर निकलते हैं घर की साइड। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये किस तरह की वीडियो थी, ये किस तरह के व्लॉग थी, लेकिन ये व्लॉग बहुत ही मजे की थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक गरीब की ड्रीम थी वो पूरी हो गई, और इस काम में मेरा बहुत से लोगों ने साथ दिया है, बहुत से लोगों ने इसका काम के लिए मुझे पैसे सेंड किए ताकि इसकी हेल्प कर दूं मैं। और अभी मज़े की बात यह है कि अभी मेरे पास पैसे भी बचे हैं बहुत सारे, इंशाल्लाह अभी इसके लिए मैं एक छोटी सी जो केबिन टाइप होती है वो केबिन ख़रीदूंगा, और इसके घर के सामने इंशाल्लाह अभी मैं एक केबिन लगाऊंगा जिसमें इसका सारा जो है ना दुकान वगैरह समोसे पकौड़े हर चीज़ इंशाल्लाह मैं इसी में लगाऊंगा। मैंने सुबह से व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं गया था खेतों, तो सीधा जैसे खेतों से आया मैं गया था अपने काम पे। तो इस नए काम में जिसने मेरा साथ दिया है अल्लाह इसको इसी दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका सिला दे। बाकी बच्चे आ गए, जिस तरह साउंड सुनी इन लोगों ने तो ये आ गए मेरे पास। तो व्यूअर्स मैं अपने व्लॉग को यहाँ पर इसीलिए एंड करूँगा। हाँ दो लोगों को लाइक करो क्योंकि मैं अभी इंशाल्लाह फिर सुबह 5 बजे उठूंगा, मैं जाऊंगा काम पे के। तो मैं अपने व्लॉग को यही पेंट करता हूँ। व्यूवर्स मेरी वीडियो यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए। अगर आप लोगों को पसंद आए तो अपने भाई के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे कल के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।